एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक मेंटर। अगर आप ईद के मौके पर कुछ अच्छा और ख़ास बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटन कौरमा की रेसिपी। ये बिल्कुल वैसी है जैसे हम शादियों में भी खाते हैं, तो बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से मैंने आपके साथ शेयर की है मटन कौरमा रेसिपी। आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं। चलिए तो फिर ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल कुक मेंटर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और कोई भी इसे आसानी से बना सकता है। आप चाहे तो इसे रोटी के साथ भी सर्व करें या फिर आप इसे चावल के साथ भी, दोनों के साथ बहुत ही बढ़िया लगता है। चलिए फिर इस वीडियो की कुछ क्विक टिप्स हो जाए। यहाँ पर मैंने मटन को प्रेशर कुकर में एक सीटी ले लिए ताकि वो थोड़ा सा गल जाए।
कभी कभार मटन पकने में कुछ टाइम लगता है, इसलिए अगर आप इसे इस तरह प्रेशर कुकर में पकाएंगी तो ये जल्दी से गल जाएगा। यहाँ पर जो मैंने तेल यूज़ किया है ये वही तेल है जिसमें मैंने ऑनियन को फ्राई किया था यानी बिरिस्ता बनाया था, तो आप यही तेल यूज़ कीजिएगा। अगर आपको ग्रेवी में तेल कम लगे तो आप इसे ऊपर से और डाल सकते हैं। नमक डालने का वीडियो एक्चुअली मुझसे डिलीट हो गया था, तो आपके स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कीजिएगा। याद रखिए हमने मटन को उबालते वक्त भी नमक डाल दिया था। तो ये थे वीडियो की कुछ क्विक टिप्स। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आप ज़रूर इस कोरमे को ट्राई कीजिएगा। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और आपके चैनल को मेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर एंड बाय।